झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस की कंप्लीट तैयारी के लिए नए बैच प्रारंभ हैं। साथ ही कंप्यूटर की सभी डिप्लोमा कोर्सेज के लिए जल्द ही ज्वाइन करें द नेक्सस एकेडमी गढ़वा। संपर्क करें 06561295164 9576144386। मैं अपने क्षेत्र की सभी जनता को प्रणाम करता हूं और आपसे कुछ बातें भी मैं करना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनता कर्फ्यू लगाया, आप लोगों ने, सभी लोगों ने, पूरे देश के लोगों ने, झारखंड प्रांत के लोगों ने, गढ़वा जिला और मेरे क्षेत्र के लोगों ने इसका भरपूर समर्थन भी किया, इसके लिए मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। लेकिन एक दिन जो हम लोगों ने जनता कर्फ्यू लगाया, वो एक ऐसा सोच लेने की ज़रूरत नहीं है कि अब कोरोना की मार से हम लोग निकल गए हैं, बच गए हैं, बल्कि वो एक दिन हम लोगों के लिए सिंबॉलिक था। कोरोना का एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह है, बहुत बड़ा चक्रव्यूह है। इटली जैसे विकसित देश आज कोरोना के मार से, वहाँ के प्रधानमंत्री के आंखों में आंसू आपने देखा होगा, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी विपदा का उम्मीद तो हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कितनी बड़ी विपदा का संकेत हमारे देश में, उससे हम लोगों को कैसे लड़ना है, कैसे बचना है, कैसे सतर्क रहना है। तो वो जो हम लोगों ने एक दिन का कर्फ्यू, जनता का कर्फ्यू किया, वो चक्रव्यूह का एक चक्र को हम लोगों ने केवल ब्रेक किया, एक चक्र को हम लोगों ने केवल रोका है। इस पूरी चक्रव्यूह को, अगर हमें कोरोना के चक्रव्यूह को तोड़ना है, तो हम सभी लोगों को इसके लिए लगना होगा, एक एक लोगों को लगना होगा। देख रहा हूँ कि सुबह से फोन आ रहा है कि कोई जामनगर फंसा हुआ है, कोई दिल्ली में फंसा हुआ है, कोई मुंबई में फंसा हुआ है, कोई पटना में फंसा हुआ है, कोई गोरखपुर में फंसा हुआ है। तो बहुत सारे फोन आज सुबह से मेरे पास आ रहे हैं कि उनको लाया जाए। मैं उन लोगों से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि आप कुछ दिन जहाँ हो वहीं रहने का प्रयास करिए, जैसे हो। थोड़ी परिस्थितियाँ विपरीत हैं, उस विपरीत परिस्थिति में थोड़े दिन का धैर्य आप लोग रखें। आप लोग भागा भागी, दौड़ा पकड़ी घर आने के लिए, इतनी जल्दी, इतना उतावलापन, हो सकता है आप अगर आनन फानन में आ भी रहे हैं, रास्ते में अगर कोई कोरोना का वायरस का इफेक्टिव पेशेंट आपसे मिल जाए, जुड़ जाए, और फिर आपको रास्ते में हो जाए, तो आप अपने आप को भी माफ नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं ये चाहता हूँ, आप जहाँ हो, जैसे हो, सुरक्षित रहो, वहीं रहो। कुछ दिनों की बात है, एक चक्र हम लोगों ने तोड़ा है, पूरा चक्रव्यूह तोड़ने के लिए मात्र 10 से 15 दिन आपका संयम, आपका समय का मैं कोशिश करूंगा। अपने हिसाब से आप दें, राष्ट्र को हमें बचाना है, आने वाली पीढ़ी को हमें बचाना है, और हमारा भारत देश एक संयमित देश है, हम यहाँ के संयमित नागरिक हैं, और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे सल चलते, हमारे बनस्पत किसी को नुकसान हो, ऐसा हम लोगों को करना चाहिए। इसलिए मैं सबसे पहले आप लोगों से आग्रह करूंगा, ऐसा हम लोगों को करना चाहिए। इसलिए मैं सबसे पहले आप लोगों से आग्रह करूंगा, अनुनय करूंगा, विनय करूंगा, विनती करूंगा। मैं आपका छोटा भाई हूँ, मैं आपका लड़का हूँ, मैं आपका भतीजा हूँ, मैं आपका बड़ा भाई हूँ, इसलिए सारे लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि आप जहां हैं, जैसे हैं, वहीं रहें। ज्यादा समय घर में दे, जब तक जरूरत ना हो, या दवा की जरूरत हो गई, या साग सब्जी दूध की जरूरत हो गई, या खाने के सामान की जरूरत हो गई, वैसी परिस्थिति में ही घर से बाहर निकले, अन्यथा घर में रहें। और घर में रह करके ही आप इस कोरोना को हरा सकते हैं, सड़क पर जाकर के कोरोना को बढ़ा देंगे हम लोग। इसलिए आप लोगों से मेरी विनती है, मेरा निवेदन है, मेरा आग्रह है, करपद प्रार्थना है अपने क्षेत्र के जनता से, गढ़वा जिला की जनता से, और पूरे झारखंड के भी जनता से, कि हम लोग कोरोना को झारखंड में एंट्री ही नहीं दें। ये हम लोगों के ऊपर दायित्व है, जिम्मेवारी है, और ये हम लोग कर सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से फिर से एक बार विनती करूंगा, आइए घर में रहें। कुछ दिनों की बात है, नवरात्रा मनाएं, नवरात्रा का पूजा पाठ हम लोग घर में करें, होम करें हम लोग, हम लोग दीप जलाएं, हम लोग पूरे, तो आप यह समझ सकते हैं कि हम उस चक्रव्यूह को नहीं तोड़ सकते हैं। उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए
एक एक लोगों का सहयोग इसमें बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो जो बातें कही जा रही हैं WHO के द्वारा, हमारे डॉक्टर्स के द्वारा, हमारे अधिकारियों के द्वारा, कि वो एहतियातन है तो हम लोगों को बरतना ही है। हम हाथ धोएं समय समय पर, अपने आप को ऐसा स्वच्छ वातावरण में रखने का प्रयास करें। लेकिन आज के डेट में जो लॉकडाउन किया गया है, इसमें सबसे जरूरी है आपको अपने घर में रहना। इसको आप ऐसा नहीं माने कि सरकार कोई बाजबरदस्ती आपको घर में रखना चाहती है। इससे सरकार की कोई मंसूबा भी ऐसा नहीं है, और सरकार ऐसा करके सरकार कुछ पाना भी नहीं चाहती है। वो आपके हित के लिए ऐसा करना चाहती है, और आपके हित में ही देश का हित छुपा हुआ है। तो हम लॉकडाउन करने का मतलब ये है कि हम कम से कम लोगों से मिलें, ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने घरों में रहें, अपने परिवार के बीच में रहें। जब हम बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में जाएंगे, कोई एक संक्रमित व्यक्ति होगा तो हम सारे लोगों को वो संक्रमण। सभी कंपनी के लैपटॉप कंप्यूटर का सेल व सर्विसिंग की जाती है। एम कंप्यूटर लैपटॉप से जुड़े सभी तरह के एसेसरीज जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, LCD मॉनिटर, होम थिएटर, UPS इत्यादि उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। कंप्यूटर लैपटॉप से संबंधित किसी भी तरह की सेवा के लिए संपर्क करें गुप्ता IT सॉल्यूशन, BP प्लाजा मेन रोड के बगल में प्रीति ड्रेसेस के सामने। संपर्क नंबर है 7995718499।